ये सिर्फ और सिर्फ वन इन भोपाल है। मेरी ड्रीम बाइकों में से एक बाइक है NS 200 और आज मैं इसका आपको रिव्यू देने वाला हूँ। यो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपके मेरे चैनल लाइट वैक्स में। भाई सब कई सब सब मत ना भाई, आज का सीन सामने है मेरे और टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होगे क्या होने वाला है। भाई पहली बात तो सबसे ज़्यादा भाई सॉरी, इतने दिनों से व्लॉग आ ही नहीं पा रहा था भाई, कॉज सब पर्सनल इशूज। और बात ये थी कि मतलब कॉलेज वॉलेज के चक्कर में भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, तो इसी की वजह से भाई व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और आज फाइनली व्लॉग आया है और आज बात होगी भाई NS 200 और आज मैं इसका आपको रिव्यू देने वाला हूँ। आपको बताऊंगा क्या चीज़ें इसमें आपको अच्छी मिलती हैं, क्या चीज़ें आपको इसमें बेकार मिलती हैं और सब कुछ आज कवर करेंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये हमारी NS 200 है फैसु भाई की, सामने बैठे हुए, और ये बिल्कुल फुल मॉडिफाइड है भाई और स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस मोड कुछ भी नहीं करा हमने, लेकिन जो एस्थेटिक मोड है वो फुल करा हुआ है। इसका आप व्लॉग मेरे चैनल पर जाके देख ही सकते हो, डाला हुआ है, आई बटन में दे दूंगा मैं, और दो पार्ट है, देख लेना आप, ठीक है। रही बात इसकी इस गाड़ी के लुक्स की, तो भाई देखो लुक्स एक ऐसी चीज होती है जो सब्जेक्टिव होती है, किसी को पसंद आती है किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन NS के मामले में बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। आप किसी भी इंडियन लड़के से पूछो NS आपको कैसी लगती है, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा कि मुझे बेकार लगती है, वो कहेगा भाई मेरी ड्रीम बाइकों में से एक बाइक है NS 200, ठीक है, समझ रहा हूँ। तो ये इसका ऐसा सीन है। और बाकी आप इस रैप का थोड़ा सिनेमैटिक देखो दिन में, और फिर उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि आपको ये मतलब चारों तरफ से कैसी लग रही है। गाइज आपको इसका सिनेमैटिक कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और इसको रेटिंग देना कि आपको कैसी लग रही है, 10 out of रेट देना भाई। मैं तो 10 out of 9 दूंगा भाई, हमने बहुत ही ज़्यादा मतलब इस पर मेहनत करा है गाड़ी पे, और हमने डिज़ाइन निकाला एकदम तगड़ा इसको बनाया है। और आप इसको मैं कमेंट करके बताना वीडियो में कि आपको एक कैसी लग रही है, रेट ज़रूर करना भाई, ठीक है, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर बताना इस गाड़ी के थीम के बारे में। बाकी एक चीज़ और क्लियर कर दूं भाई, इंडिया में बहुत सी जगह पर ये वाला रैप हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वन इन भोपाल है। भोपाल में किसी ने भी अपनी NS 200 में वेनम वाला रैप नहीं कराया, मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको। और भोपाल के बाहर करवाया होगा उसका मुझे नहीं मालूम, इसीलिए हम भाई क्लेम भी नहीं कर रहे, झूठा क्लेम किसी को करने में मजा भी नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट इन भोपाल है, और अब जो आगे बनेंगे वो तो हमारे देखी देखा बनेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन वन इन भोपाल तो है ही है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि इसमें हमने करवाया क्या क्या। तो भाई जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि इसमें फुल बॉडी रैप हुआ है, वो तो है ही, और ये रैप वैसा वाला रैप नहीं है, ये है 3D रैप, और ये पूरा रैप जो है पहले मशीन में डिजाइन हुआ है, उसके बाद में इसको लगाया है, और लगाने के बाद इसके ऊपर जो एक लेमिनेशन टाइप होता है ना, जिसके बाद शाइन आ जाती है रैप में, वो भी इसमें हुआ है। इसके बाद में इसमें जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो स्मोक हुए हैं, देख सकते हो, थोड़े डार्क लुक हैं तो इसलिए अच्छा लग रहा है ये। और इसके अंदर का जो बल्ब है वो भी चेंज हुआ है, देखो LED है, पहले इसमें हेलोजन आता था लेकिन हमने LED करवा दिया। उसके बाद में भाई यहाँ पे बिल्कुल देख लो, यहाँ पे हमने नंबर इसका यहाँ पे करवा दिया, कॉज हमने वो निकलवा दिया उसका पॉइंट, वो बेकार लग रहा था। और ये फिर CNC वाला ये मिरर लगवाया है, ये डिज़ाइन देख लो आप, इसके मिरर्स बहुत ज़्यादा ही बड़े थे इसलिए हमने इसको लगवाया है। उसके बाद यहाँ पे अपने पिछले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, यहाँ पे बाहर लिवर प्रोटेक्टर्स लगे हुए थे, लेकिन अब वो उसके साथ एक चोट हुई, वो मतलब टूट गए, तो भाई उसके वो दूसरे लगवा लेंगे कभी बाद में। बाकी टैंक पे देख ही सकते हो, टैंक पैड लगा हुआ है पूरे टैंक पे, और ये बिल्कुल बिल्कुल थीम के साथ फ्लश हो रहा है, बिल्कुल थीम के साथ जा रहा है, एकदम बेस्ट बैठ रहा है, हमें यही सही लगा था इसलिए हमने यही लगवाया, बहुत सारे डिज़ाइन थे। बाकी हमने जो ग्रैब रेल से इसको 70 कार्बन करवाया है, उसके बाद में पीछे से देख ही सकते हो टेल टाइडी ब्रो, मैग्नेटिक टेल टाइडी, ये देखो
देख रहा हो क्या सीन है, बिल्कुल सेक्सी लगती है भाई है ना, जब टेल टाइडी लगवा लो। और अभी हमने ये ओरिजिनल वाले ही इसमें इंडिकेटर्स लगाए हुए, कॉज इसका रीजन ये है भाई, ये गाड़ी ही नई है ना, एक महीना पुरानी गाड़ी में अभी हमने जो इसके ओरिजिनल पार्ट से वो हटाना जरूरी नहीं समझा, इसलिए हम लोगों ने अभी इसको लगा रहने दिया। रही बात रैप की, तो रैप आप बता देना। और पिछले वाले व्लॉग में मैंने एक गलती करी थी, मैंने सब कुछ तो दिखाया था लेकिन मैंने प्राइस ही नहीं बताया कि कितने में ये गाड़ी रेडी हुई थी, ठीक है। तो इस गाड़ी में लग गए, मैं आपको बताऊं, हमें इस गाड़ी को ऐसा बनाने में लगे हैं भाई 8,000 रुपीज, जिसमें सब इसका एसेसरीज, लेबर, कार्बन जितना करवाया, उसके बाद में इसका ग्राफिक्स वगैरह सब इंक्लूड है, और सब हमें 8,000 में पड़ा है। उस टाइम पे लेबर प्रोटेक्टर्स भी लगे थे लेकिन वो टूट गए फॉर सम रीजन, तो वो भी थे। और हमने यहाँ पे स्मोक करवाया था, इसका हेडलाइट स्मोक करवाया था बिल्कुल ऐसा ही, तो वो मस्ती मजाक में निकाल फेंक दिया, तो उसकी वजह से ये दो चीज़ें नहीं है। पुराने वाले व्लॉग में आप देख ही लेना, देखने को मिल जाएंगी आपको, बाकी सब बिल्कुल इंटैक्ट है, वैसा ही है। अब बात करते हैं NS में मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। तो भाई फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ मुझे NS में क्या क्या अच्छा लगता है। तो भाई फर्स्ट चीज़ जो NS 200 में मुझे अच्छी लगती है वो है इसका हार्ट। भाई ये 200 सीसी में नेकेड में ऐसा इंजन है ना भाई, जो एकदम कातिल है, समझ रहा हो ना, एकदम खतरनाक वाला फाड़ के रख देता है भाई। इतना पावरफुल इंजन है, BS6 आने के बाद भी इसमें इतनी पिकअप है और इतना पावर है भाई, सोच के देखो BS4 और BS3 क्या करते होंगे भाई NS, भाई इतना खतरनाक पावर इसमें मिलता है, क्रेजी भाई। तो भाई अभी NS में जो नई वाली है BS6 में आता है आपको 24 हॉर्स पावर का पावर और 17 न्यूटन मीटर्स का टॉर्च, और नंबर भाई नंबर पे कभी मत जाओ, ठीक है, नंबर पे मत जाओ। जो आप जब इसको टेस्ट राइड करोगे, जब इसको आप चलाओगे ना, जब इसकी पावर आप फील कर पाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये असली चीज है क्या, समझ रहे हो ना। पावर के मामले में 10/10 भाई, मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है पावर के मामले में। नंबर टू की बात करें भाई डिजाइन तो मैंने पहले ही बोल दिया भाई, सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर है भाई, आपको डिजाइन अच्छा भी लग सकता है, आपको डिजाइन बुरा भी लग सकता है, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे इसका डिजाइन अच्छा लगता है। तीसरी चीज की बात ये करें मेंटेनेंस, यार अब देखो गाड़ी बंदा ले लेगा, ठीक है, मेंटेन करना उसको आसान बात थोड़ी ना है। देखो भाई ये 200 सीसी की गाड़ी है और इसको मेंटेन करना आप समझो कि मतलब आपके कम पैसे तो लगेंगे नहीं, ज्यादा ही लगेंगे। मेंटेन करना 200 सीसी की गाड़ियों में आज के टाइम पे आसान नहीं है, और इसमें आपके ज्यादा पैसे लगते हैं। और इसका भी सिर्फ फर्स्ट सर्विस हुआ है 1,000 वाला, दूसरा शायद से 10,000 पे होगा, वो करवाएंगे बाद में, 8,000 पे सॉरी, तो वो भी करवाना है इसका। दूसरा सर्विस का व्लॉग मैं बनाऊंगा इसका, फिर आप जब होगा तब बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि कितने लगे इसमें। और रही बात इसका मेंटेनेंस का, तो भाई खर्चा मांगती है गाड़ी, आप उसको अच्छे से मेंटेन करोगे तो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, अच्छे से रहेगी, ठीक है भाई। ये वाली बात तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन 200 सीसी है तो बंदा पूछता है भाई माइलेज कितना देती है, तो बता ही देते हैं भाई माइलेज। देखो ऐसा है, अगर आप इसको अच्छे इंसानों की तरह चलाओगे तो ये आपको माइलेज दे देगी समवेयर अराउंड 38-40 तक का माइलेज तो आराम से आपको दे देगी, अगर आप बिल्कुल अच्छे से चलाओगे। लेकिन जहाँ आपने ज़रा सा मतलब अपने ठीक है, तो मतलब अगर आपने इसको वैसा नहीं चलाया, अच्छे से नहीं चलाया, तो ये आपको फिर भी ना करते हुए 33-34 तक का माइलेज तो दे ही देती है, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतनी पावर मिलती है तो फिर माइलेज तो कम ही मिलेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी माइलेज इसमें अच्छा मिलता है। और भाई अब चेंजेस की बात करते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या चेंजेस दे दिए कंपनी। भाई देखो तो पहला अपसाइड डाउन फोक्स दे दिया है, देखो बहुत ही ज़्यादा, अब इससे मतलब जो आपकी हैंडलिंग हो जाती है बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती है अपसाइड डाउन फोक से, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती है गाड़ी, ठीक है। बाकी इसमें ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा क्रेजी ब्रेक्स दे दिए भाई, बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं इसके, जहाँ आपने मतलब ब्रेक को ऐसा टैप करा गाड़ी वहाँ खड़ी होने के लिए तैयार है। और आगे का डिस्क ऐसा कुछ दिखता है, देख लो ग्रीमेका के ब्रेक्स आते हैं इसमें, और पीछे का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे तो अभी खैर ये लगा हुआ है लेकिन पूरा दिख नहीं रहा, फिर भी देख लो ऐसा कुछ दिखता है इसका डिज़ाइन यहाँ से। और बाकी इस अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है इसमें, मोनोशॉक पीछे है वो तो ऑब्वियस ही बात है, बाकी इसमें देख सकते हो वॉक अराउंड देख लो, और ऐसा ही देखो नया इसका अलॉय का डिजाइन दे दिया इसमें, देखो पहले वाले से थोड़ा बहुत ट्वीक करा है इसके। अब कंफर्ट की बात करते हैं, तो भाई एक NS AC गाड़ी है 200, जो मतलब पावर के साथ साथ आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड करती है। वहीं आप दूसरी गाड़ियों की तरफ जाओगे एज कम्पेयर टू इसका जो इसका कॉम्पिटिटर है Duke 200, तो उसमें उतनी मतलब कंफर्टेबल सीट नहीं मिलती, बहुत ही रफ सीट मिलती है, मतलब आप ज़्यादा देर तक उसको राइड नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सीट देखो ये आपके मतलब जो
बिल्कुल खुश रहेंगे आपसे, ठीक है। इसका मतलब कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर भी है, कंफर्टेबल सीट्स भी हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब राइड करने में आपको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। निम्बल बहुत है, आप इसको मतलब कहीं से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी कट मार के आप निकाल सकते हो। हल्की मतलब जब ये गाड़ी चलने लगती है तब वेट फील नहीं होता, लेकिन फिर भी ये वेटेड है, 168 kg का इसका वेट है, ठीक है। लेकिन 200 cc के हिसाब से पावर टू वेट रेशियो इसका बैलेंस हो जाता है। तो भाई अब बात करते हैं कि मतलब मुझे क्या चीज़ें इसमें बेकार लगती हैं, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहली चीज़ तो इसमें बेकार ये लगती है भाई, 2 lakh rupees की गाड़ी है ये, ठीक है। अभी के टाइम पे 2 lakh की ही मिलती है आपको, और 2 lakh की ही भाई ने भी ली है। आपको भाई हेलोजन इंडिकेटर और हेलोजन हेडलाइट मिलती है, भाई क्या करोगे इतने पैसे बचा के यार, बजाज वालों कम से कम भाई LED दे दो यार, पूरी फुल पैकेज बन जाएगी। और उसके बाद में भाई सबसे बड़ा मेजर जो दूसरा मेरा डिसएडवांटेज है इस गाड़ी के लिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एक तो हेडलाइट और इंडिकेटर्स हो गए जो मतलब LED नहीं मिलते। दूसरा है भाई सेगमेंट में सबसे ज़्यादा भाई पतले टायर इसी को मिलने का अवार्ड जाता है भाई, 130 भाई पीछे किसी में नहीं आता, 130 भाई हॉर्नेट तक में 140 आता है, समझ रहा हूँ ना। और आगे का टायर साइज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई, देख लो देख रहा हूँ। चलो आगे का टायर तो फिर भी ठीक है, मेरी गाड़ी R15 है, उसमें भी 100 आता है, इसमें भी 100 आता है, लेकिन ग्रिप बहुत ज़रूरी होती है, जब इतना पावर आपको मिलता है तो ग्रिप भी उसके हिसाब से ही मिलनी चाहिए। मेरे को 2 चीज़ें मेजर इसमें यही लगती है। इसका आपको मीटर कॉन्सोल दिखाता हूँ, मीटर आपको उसका कैसे मिलता है भाई। पहले इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं आता था, लेकिन नई वाली में गियर पोजिशन इंडिकेटर यहाँ पर दे चुके हैं, देखो। और मैं इसको आपको साउंड सुनाता हूँ, आप साउंड सुनो उसका कैसा मिलता है आपको, स्टॉक साउंड ये सुनो, बिल्कुल लो RPM पे एकदम अभी इनिशियल जो रहता है ना, बिल्कुल बिना रेव करे नॉर्मल, वो है इसका साउंड, ठीक है। अब थोड़ा सा रेव करते हैं, यही इसकी खास चीज़ है भाई, ये देखो, अब थोड़ा फुल रेड लाइन देख रहा हूँ, क्या क्रेजी चीज़ है भाई, ये साउंड बहुत प्यारा है इसका। तो भाई अब मुझे ये गाड़ी बहुत बढ़िया लगी है, बस दो या तीन चीज़ें हैं। अरे क्या क्या कर रहा हो तुम लोग, इसीलिए कहता हूँ जिम जाना शुरू कर दो। भाई वो पाँव अड़ा दिया यार, गिर गए। तो भाई NS मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है, खास करिए नई वाली, पुरानी वाली में बहुत ज़्यादा थी, उसमें टेलीस्कोपिक आता था फलाना, लेकिन अब वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये लेनी तो ले लो भाई, आपके पास बहुत पैसा तो ले लो, मुझे बहुत पसंद है गाड़ी, इसलिए मेरे गैंग में है भी, ठीक है। और फैसू भाई आप ये बताओ आपको कैसी लगती है गाड़ी, ये बताओ। ड्रीम बाइक थी, देखो मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत से इंडियन की भाई ये ड्रीम बाइक होती है। चलो भाई वीडियो एंड करते हैं, और अगर आप कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट में बताना, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक क्या लिया, आ जाओ, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।